हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आपने इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड ये है आपकी माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज़ का सेकंड एपिसोड। सो आज मैं अपने पूरे घर को और बड़ा बनाऊंगा एंड और भी चीज़ें करने वाला हूँ मैं। सो ये पूरा कंस्ट्रक्शन का वीडियो है एंड इसे मैं ज़्यादातर थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में ले जाऊँगा बिकॉज ये बहुत बड़ी क्लिप है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। एंड फ्रेंड्स, मेरा हार्डवर्क देखते हुए आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। सो एंड फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ कि अब हम लोग थोड़े महीनों बाद या दिनों बाद हम लोग कुछ चीज़ें करवाएंगे। सो आप अपनी आईडी दे सकते हो माइनक्राफ्ट की मुझे, सो मैं आपको फ्रेंड लिस्ट में ऐड करके हम लोग भी लाइव खेलने की सोचेंगे बाद में, अगर सर्वर बन पाया और हो गया तो। अभी फ़िलहाल तो मैं क्या करूँगा कि माइनिंग करके अपना गड्ढा, हम लोग का जो घर है अंडरग्राउंड बेस है, उससे हम लोग और बड़ा करेंगे। तो स्टिक्स बना रहा हूँ मैं जिससे और भी ज़्यादा पिकैक्सेस बनेंगी। तो अभी ये सब हम लोग जब करेंगे तो उसका मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। सो लेट्स डू इट इन फास्ट फॉरवर्ड। तो फ्रेंड्स, लेट मी एक्सप्लेन कि मैं ये कर क्या रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने पहले इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। सो हम लोग ने इसको एक्सटेंड कर दिया एंड अब मेरा प्लान है कि ये थोड़ा सा कम स्पेस वाला लगता है, तो इसको मैं मींस ये मैंने 2 ब्लॉक का गड्ढा खोदा था, मैं इसको 3 ब्लॉक का करूँगा और भी ज़्यादा बड़ा करूँगा। सो अब देखो फाइनल रिजल्ट क्या आता है और सीक्रेट रूम्स भी बनाऊँगा इसमें। तो फ्रेंड्स, ये हम लोग का बेडरूम है। ये हम लोग का लिविंग रूम टाइप का है, यहाँ पे मैं अपना क्राफ्टिंग टेबल और सब प्लेस कर दूंगा। यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल, फर्नेस और इधर बेड। सो या आप देख सकते हैं रिजल्ट इसका, काफ़ी बड़ा बना दिया हमने अपना अंडरग्राउंड बेड।
फ्रेंड्स, आफ्टर मेकिंग द अंडरग्राउंड बेस, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं सबसे पहले तो बहुत सारी डर्ट ले लूँगा एंड पूरा हम लोग का जो आसपास का एरिया है पूरा फ्लैट करूँगा एंड मैं बहुत बड़ा एक घर या कैसल टाइप का बनाने की कोशिश करूँगा। सो उसको भी हम लोग फास्ट फॉरवर्ड करते हैं बिकॉज ये क्लिप बहुत बढ़िया है। उससे पहले फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये एक मैं रूम बना रहा हूँ, इमरजेंसी रूम लाइक। तो ये इसमें कुछ ट्विस्ट वाले रास्ते होंगे और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सेफ प्लेस पे जा पाएंगे, फिर बाद में यहाँ मैं खाना भी रख लूँगा। सो मतलब अगर कोई ऐसा मॉब अटैक कर दिया हमारे घर पे, सो हम यहाँ पे जाके छुप सकते हैं और फिर ब्लॉक लगा के बच सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं सो रहा हूँ एंड अब मैं जा रहा हूँ वो फ्लैटनिंग वाला काम करना। उससे पहले चेस्ट बना के हम लोग इतने सारा स्टोन और ये सब रख देंगे हम लोग, जिसमें कि जिससे हम लोग अपना कैसल बाद में बनाएंगे। पहले तो मैं जाके उस एरिया को फ्लैट करूँगा। सो अभी जल्दी से रखता हूँ एंड मैं जा रहा हूँ वो एरिया फ्लैट करने। उसके लिए शवल भी बना के अब मैं जा रहा हूँ एंड एन्जॉय दिस क्लिप। थोड़ा बहुत पेड़ भी कट करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं फ्लैट करूँगा एंड देन पेड़ कट करूँगा। सो पहले फर्स्ट लेयर हटा देते हैं एंड देन सेकंड लेयर ऐसे ही करेंगे फ्रेंड्स। पेड़ को अच्छे से कट कर देते हैं, फिर उसका सब चले जाएगा एंड देन गड्ढे भी फिल कर लेते हैं। सो एंजॉय दिस फास्ट फॉरवर्ड।
फ्रेंड्स, हम लोग ने बहुत सारा गड्ढा भर दिया, अभी और भरते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। फ्रेंड्स, अब मैंने डर्ट काफ़ी सारी लगा दी है यहाँ। अभी मैं अंदर जाता हूँ एंड यहाँ मैं बहुत सारी, हम लोग के पास जो कोबल स्टोन है उनसे थोड़ी सी वॉल बना के मैं पूरी वॉल बनाऊँगा इसमें। सो पूरा हम लोग का बाउंड्री स्टार्ट हो जाएगा कैसल का एंड उस पर हम लोग और बिल्ड करते जाएंगे। सो अभी मैं वॉल बना के लगाऊँगा एंड इसे अभी फास्ट फॉरवर्ड में करते हैं। ये पूरा बहुत अच्छा सा है। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा पेड़ वेड़ काट नीचे आते हैं पहले। अभी वॉल्स क्राफ्ट करके मैं जल्दी से वॉल्स क्राफ्ट करके जल्दी से हम लोग अपने कैसल की वॉल्स बनाएंगे सबसे पहले। सो ये लेता हूँ मैं कॉबल स्टोन थोड़ा सा एंड वॉल्स क्राफ्ट करते हैं एंड देन उन्हें लगाते हैं और पूरा अपना कैसल थोड़ा सा बनाते रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट।
सो अभी अरे यार यहाँ पिलेजर्स, ओफ ओ, मैं जल्दी से आ रहा हूँ अपना सामान लेने वापस। फ्रेंड्स अभी मैं नीचे जाता हूँ, बंद करता हूँ, पहले खाना खाता हूँ थोड़ा सा, एंड मैं ऊपर जा रहा हूँ सिर्फ इनको स्ले करने। सो अभी मैं थोड़ी बहुत माइनिंग कर लेता हूँ, लाइक मुझे थोड़ा बहुत आयरन चाहिए। इधर पे नीचे थोड़े से जो यस, ये मेरे को आयरन मिल चुका है, इससे स्मेल्ट करके मैं शील्ड बना सकता हूँ। ये सारी पिकैक्सेस में रख देता हूँ और आगे भी हम माइनिंग करेंगे तो उसमें काम आएगी। सो जो हम लोग के दो आयरन हो रहे हैं स्मेल्ट करके हम लोग जल्दी से शील्ड बना लेते हैं, एंड जाके अभी पिलेजर्स का सफाया करके बाकी का बिल्ड कंटिन्यू कर। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हमने कैसल बनाने के लिए सारी ग्राउंड को फ्लैट कर दिया एंड थोड़ी बहुत वॉल्स भी लगा दी हैं। सो अगर पिलेजर्स ने परेशान किया तो अगले एपिसोड में उन्हें साफ करेंगे।